गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों पर तीखे प्रहार किए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो ये लोग पैसे ना होने का रोना रोते थे, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने कोरोना काल में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसानों के साथ संकट की घड़ी में खड़े हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि ओला प्रभावितों से मिलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कहीं पर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को देखा? नहीं ना, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कोरोना के समय प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी तब हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे और लगातार जनहित के कार्य भी किए थे, और जब इनकी सरकार थी तो ये लोग पैसे ना होने का रोना रोते थे। ये लोग सिर्फ रोना ही रो सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। साथ ही गृह मंत्री ने राहुल गांधी को सावरकर के समान ना समझने वाले ट्वीट को लेकर कहा कि राहुल गांधी को हम वीर सावरकर के समान नहीं समझ सकते हैं, हम उन्हें राहुल गांधी समझते हैं जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए क्या? एक जगह बता देना कहीं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी गए हों। ये इनकी राजनीति सिर्फ झूठ बोलने की है और झूठ पर ही आधारित राजनीति का सारे डिसीजन सरकार के कोरोना काल में सरकार आने के बाद महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार जो कोरोना के पहले थी, जो रोना रोती रहती थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, उसके बावजूद भी कोरोना काल होने के बावजूद भी सरकार ने कोरोना में आपदा की उस घड़ी में, विपत्ति की उस घड़ी में मजदूर को, किसान को दिक्कत नहीं हुई, लगातार राहत किसानों को दी, मजदूरों को दी, प्रवासी मजदूरों को। उसके बाद में अभी लाडली बहना तक आप देखेंगे तो इस महीने के निर्णय है। लगातार सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिए हैं, शिवराज सिंह जी की सरकार है। नहीं, हाँ ऐसे बोले, बहुत सावरकर को तो आसन में भी नहीं मानते, हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही हम वही राहुल गांधी समझते हैं, और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।